दोस्तों, ये पृथ्वी वाकई में बड़ी रहस्यमयी है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और शोधकर्ता इन रहस्यों से पर्दा उठाने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। कई बार तो वे ऐसा करने में सफल भी हो जाते हैं, लेकिन आज भी दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिन्हें सुलझाना वैज्ञानिकों के लिए भी एक चुनौती बनी हुई है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक देश के प्रधानमंत्री का नदी में नहाते नहाते अचानक गायब हो जाना, 250 से अधिक यात्रियों को लेकर उड़ान भरने वाला एक हवाई जहाज एक ऐसे अनजाने सफर पर निकल जाना जहां से वो फिर कभी लौट नहीं सका, और तो और YouTube में मौजूद एक ऐसा रहस्यमय चैनल जिसके बारे में खुद Google और YouTube को भी नहीं पता कि वो चैनल किसका है और उसके वीडियो में दिखाया क्या जा रहा है। आज हम आपको इस वीडियो में दुनिया की कुछ ऐसी ही मिस्ट्रीज के बारे में बताएंगे जिसके बारे में तमाम शोध होने के बावजूद भी कुछ पता नहीं चला। यकीन मानिए, आज का वीडियो बड़ा ही रोचक होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, प्रधानमंत्री किसी देश की सबसे बड़ी शख्सियत होती है, लेकिन तब क्या हो जब किसी देश का प्रधानमंत्री ही लापता हो जाए। दुनिया भर के देशों में कई ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो कुछ अलग वजहों से जाने जाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, जिन्हें रात के 2 बजे फांसी पर लटका दिया गया था। लेकिन अब हम आपको एक ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में बताने जा रहे हैं जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे, और उससे भी हैरानी की बात तो ये है कि वो प्रधानमंत्री ना तो कभी जिंदा मिले, ना ही उनकी लाश कभी मिली। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्रधानमंत्री हेराल्ड एडवर्ड होल्ट की, जिन्होंने 26 जनवरी 1966 को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का पद संभाला था। ऑस्ट्रेलिया के इस प्रधानमंत्री को तैराकी और मछली पकड़ने का बहुत शौक था, और ये घटना 17 दिसंबर साल 1967 की है, जब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हेराल्ड ऑस्ट्रेलिया के एक समुद्री तट पर तैराकी कर रहे थे। उसी बीच वो अचानक से गायब हो गए। उन्हें बहुत ढूंढा गया, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिले। दुनिया भर के खोजी दलों ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। आखिरकार 20 दिसंबर 1967 को उन्हें आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका शव आज तक नहीं मिल पाया। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर होल्ट के रहस्यमय तरीके से गायब होने को लेकर कई तरह की बातें भी हुई। किसी ने कहा कि उन्हें शार्क खा गई होगी, तो किसी ने उनके गायब होने को हत्या से ही जोड़ दिया। वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली होगी, और वहीं सबसे अलग कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें दूसरी दुनिया का कोई एलियन लेकर भाग गया होगा। हालांकि अभी तक इनमें से किसी भी बात की पुष्टि नहीं हुई है, और एक शक्तिशाली देश के प्रधानमंत्री के गायब होने का ये रहस्य आज भी बरकरार है। मिस्टीरियस यूट्यूब चैनल, अब हम आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप खुद भी जाकर देख सकते हैं। YouTube आज की दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको कई तरह के चैनल और वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उसी YouTube की दुनिया में एक ऐसा चैनल भी है जिसके ऑनर के बारे में खुद Google और YouTube को भी नहीं पता, और दुनिया के किसी भी शख्स को इस बात का पता नहीं है कि उस चैनल पर जो वीडियो अपलोड किया जाता है उस वीडियो में दिखाया क्या जा रहा है। दरअसल YouTube पर मौजूद इस चैनल का नाम वेब ड्राइवर टॉर्सो है, जो साल 2012 में शुरू हुआ था। इस चैनल पर अब तक 6 लाख से अधिक वीडियो अपलोड हो चुके हैं, और इस चैनल के 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं। बता दें कि उस चैनल पर कुछ सेकंड की एक रहस्यमय वीडियो अपलोड की जाती है, जिसमें लगातार बीप बीप की आवाज आती है, और उसके साथ लाल और नीले रंग के ब्लॉक्स इधर उधर घूम रहे होते हैं। दुनिया के किसी भी शख्स को अब तक इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो वीडियो अपलोड कौन कर रहा है और वो उस वीडियो में दिखाना क्या चाहता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये चैनल बाहरी दुनिया के किसी एलियन के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि ये चैनल इल्यूमिनाटी जैसे किसी सीक्रेट ग्रुप के द्वारा हैंडल किया जाता है,
लेकिन उससे भी हैरानी की बात तो ये है कि जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तब से इस चैनल पर वीडियो अपलोड होना भी अचानक से बंद हो चुका है, लेकिन YouTube के इस चैनल का रहस्य अभी भी बरकरार है, द डेविल्स केटल। अब हम आपको इस दुनिया के एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पर दुनिया भर के वैज्ञानिक पिछले कई दशकों से शोध कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। यहाँ एक झरने से गिरने वाला सारा का सारा पानी ही कहीं गायब हो जाता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं अमेरिका के एक मिस्टीरियस झरने की। अमेरिका में सुपीरियर लेक के उत्तरी किनारे पर मैग्नेसी नाम का एक पार्क है। इस पार्क में एक बेहद ही खूबसूरत लेकिन एक मिस्टीरियस वाटरफॉल है जिसका नाम है डेविल्स केटल, यानी कि शैतान की कड़ाही। बता दें, जंगल में झरने का पानी घुमावदार और संकरीले चट्टानी रास्तों पर बड़ी तेजी से नीचे की ओर गिरता है, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया कि ऊंचाई से गिरने वाले झरने का पानी आखिर जाता कहाँ है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ऊंचाई से जहां पर पानी की धारा गिरती है वहां कढ़ाई की शक्ल में एक छोटा सा कुंड दिखाई देता है, लेकिन झरने से गिरने वाला लाखों लीटर पानी इस कुंड से कहां गायब हो जाता है ये आज तक किसी को पता नहीं चला। दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा पानी के रास्ते को खोजने के लिए कई बार वाटरफॉल में पिंग पोंग बॉल, कलर और डाई आदि डाली गई ताकि वो पता लगा सके कि उस कुंड में गिरने वाला पानी आकर निकलता कहां से है, लेकिन इस रहस्यमय झरने के ऊपर आज तक जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकल सका। कृष्णा बटर बॉल। अब हम आपको जिस रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं उसकी तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखी होंगी। हाल ही में जब चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भारत दौरे पर आए थे तो प्रधानमंत्री मोदी चाइनीज प्रेसिडेंट को उस जगह पर लेकर गए थे जिसका नाम है कृष्णा बटर बॉल। दरअसल ये पत्थर का एक ऐसा भारी भरकम टुकड़ा है जो फिजिक्स के नियमों के खिलाफ एक तीखे ढलान पर टिका हुआ है जहां पर किसी भी आम पत्थर का टिका रहना नामुमकिन है। लगभग 20 फीट ऊंचा और 250 टन से भी ज्यादा वजनी इस पत्थर को यहां कब और कौन लाया इस बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने उस पत्थर को वहां से हटाने के लिए 7 से भी अधिक हाथियों के द्वारा खींचने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। आज ये पत्थर पूरी दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ है। वहीं भारत में रहने वाले अधिकतर लोगों का मानना है कि ये भगवान श्री कृष्ण का मक्खन वाला मटका है जो समय के साथ साथ पत्थर में तब्दील हो गया। आइसलैंड ऑफ डेड डॉग्स। अब हम आपको एक ऐसे रहस्यमय आइलैंड के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया के सबसे डरावने आइलैंड में से एक है। दरअसल हम बात कर रहे हैं आइलैंड ऑफ डॉल की, जो मैक्सिको सिटी से 17 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच स्थित है, जहां पर बड़े ही रहस्यमय तरीके से हजारों टूटे फूटे डॉल्स लटके हुए हैं। और तो और, वहां पर घूमने के लिए जाने वाले पर्यटकों को गुड़िया से तरह तरह की डरावनी आवाजें भी सुनने को मिलती हैं। कहा जाता है कि सेंटाना बारुएरा नाम का एक शख्स अचानक अपने परिवार को छोड़कर अकेला इस आइलैंड पर रहने के लिए आ जाता है। सेंटाना के इस आइलैंड पर आने के बाद कुछ लोग इस आइलैंड पर घूमने आए थे जिनके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। तभी घूमने के लिए आई एक बच्ची की मौत आइलैंड के किनारे डूबने से हो गई थी। बच्ची की मौत जिस जगह हुई, सेंटाना को उसी जगह एक डॉल तैरती हुई नजर आई। सेंटाना उस डॉल को पेड़ पर लटका देते हैं और आज रहस्यमय तरीके से उस आइलैंड पर हजारों टूटी फूटी डरावनी गुड़िया लटकी हुई है। वे सभी वहां कैसे आई और उन्हें कौन लेकर आया इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। आज दुनिया भर के लोग उस आइलैंड पर घूमने के लिए आते हैं, लेकिन शाम होने से पहले उन सभी टूरिस्ट को उस आइलैंड से निकाल दिया जाता है। 301 व्यू। अब हम आपको YouTube पर मौजूद एक ऐसे वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं जो इंटरनेट की दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। खुद YouTube को भी इसके पीछे की वजह के बारे में कोई जानकारी नहीं। दरअसल YouTube पर नंबर फिल नाम का एक चैनल है जो साल 2011 में बनकर तैयार हुआ, और उसी चैनल पर आज से 9 साल पहले एक वीडियो अपलोड किया गया जिस वीडियो को 13 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है, और इस वीडियो पर 1.5 लाख से भी अधिक लोगों ने कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन बड़े ही रहस्यमय तरीके से यूट्यूब अब भी उस वीडियो का व्यू काउंट सिर्फ और सिर्फ 301 दिखा रहा है।
यानी कि YouTube के मुताबिक इस वीडियो को अब तक सिर्फ 301 लोगों ने ही देखा है। तो फिर इस वीडियो का लाइक काउंट 13 लाख से ज्यादा और कमेंट 1.5 लाख से ज्यादा कैसे हो सकता है? जब YouTube से इस वीडियो के मिस्ट्री के बारे में पूछा गया तो उसके पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। तो दोस्तों, आपने देखा, भले ही आज इंसानों ने कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ली हो, लेकिन आज भी हमारी पृथ्वी पर ऐसे ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिसके बारे में हम इंसानों को कुछ भी नहीं पता। खैर, हमने तो इस वीडियो में दुनिया के कुछ ही ऐसे रहस्यों को मेंशन किया है। अगर आपको दुनिया में मौजूद और भी रहस्यों के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द ही लौटेंगे एक और मजेदार वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।